मुखौटा हटा दे, रंगली संगली चेहरा दिखा दे, रंगली संगली हंसते गाते कुछ सिखाते झट से आते गायब हो जाते। हुन हुना हुन हुना रे हुन हुना, काली चरण की मौत हुई है अमावस की रात। अब क्या होगा बड़े दुख की बात, तो भैया बड़े दुख की बात। हे केदार भगवान हमारे बड़े सुख की बात, तो भैया बड़े सुख की बात। देंगे वो तो जून की रोटी बड़े सुख की बात, तो भैया बड़े सुख की बात। कमाऊ बेटा वो इकलौता माँ बहनों को छोड़ गया रोता, बड़े दुख की बात वो भैया बड़े दुख की बात। नहीं नहीं बड़े सुख की बात, नहीं नहीं बड़े दुख की बात, नहीं नहीं बड़े सुख की बात। क्या होगा हुजूर हमारा, हम तो हो गए बेसहारा। ठेकेदार देंगे सहारा बड़े सुख की बात, बड़े दुख की बात। मशीन में जो काली चरण डालता था घास, वो काम दोनों बहनों को दिलाने की कोशिश करूंगा, दे सकता हूँ मैं आस। बड़े सुख की बात भैया, बड़े सुख की बात। पगार कितना मिलेगा माई बाप? काली चरण जितना कमाता था दोनों बहनों को मिलाकर उतना तो आ ही जाएगा तुम्हारे पास। बड़े सुख की बात भैया, बड़े सुख की बात। छी 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 छी, क्या शर्म की बात। एक के पगार में करे दो इंसान की बात, छी 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 छी, बड़े शर्म की बात। कौन हो तुम, कहां से आई बीच में टांगड़ाने? एक के पगार में लेते दो दो से काम, बड़े सयाने ठेकेदार, तुम हो बड़े सयाने। छी 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 छी, क्या शर्म की बात। बड़े शर्म की बात, पगार मर्दों की भी कर देंगे आधा, अगर वो लगती है तुम्हें औरतों से ज्यादा। नहीं नहीं हुजूर, अरे तुम लोग ना अड़ाओ टांग, औरत कभी बन सके है मर्दों के समान? क्यों छिपाते हो ये खबर? सरकार ने तय किया है कम से कम पगार, मर्द हो या औरत इससे पड़ता नहीं है फर्क। पगार तय है हमारे लिए? हर इलाके में नियुक्त है सरकारी अधिकारी, जो पूछने से बता सके हैं हर काम की पगार तुम्हारी। हमें तो मालूम ही नहीं था, क्या आपको मालूम था? मुखौटा हटा दे, रंगली संगली चेहरा दिखा दे, रंगली संगली हंसते गाते कुछ सिखाते झट से आते गायब हो जाते। पकड़ लिया, तूने लिया मेरा बैग, मेरा बैग नंबर 9। चल निकाल निकाल, चल हट यहां से। हमें क्या लेना देना तेरे बैग से? मेरा बैग नंबर 9। रुक जरा, निकाल दिया कि नहीं इनका बैग नंबर 9? मुझे कुछ नहीं पता, ये तो वैसे ही पागल। अच्छा ऐसे नहीं मानेगी, चल थाने। अरे रुक 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 गाड़ी, यहाँ पर सुबह तक रुकने की करो तैयारी। रुक 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 गाड़ी। ए कौन हो तुम लोग? कानून के रखवालों, आधी रात को दिमाग सटक गया है तुम्हारा? पब्लिक प्लेस में शोर मचाना जुर्म है? हम बेकसूर हैं, कसम से। चोरी की है इसने। हाँ, बैग नंबर 9। अपराधी हो या निर्दोष, तुम इसे छू सकते नहीं। किसने कहा? ये गाड़ी यही रुकेगी सुबह होने तक, हाँ सुबह होने तक, सूरज ढल चुका है, छू सकते नहीं सुबह होने तक, हाँ सुबह होने तक।
औरत को गिरफ्तार कर नहीं सकते भाई। अरे सुबह होने तक, हाँ सुबह होने तक, सुबह होने तक। तुम्हें कैसे पता ये सब? ये कानून है, क्या आपको पता था? मुखौटा हटा दे, रंगली संगली, चेहरा दिखा दे, रंगली संगली, हंसते गाते कुछ सिखाते, झट से आते गायब हो जाते। आपसे जुदा मैं भी नहीं रह सकती शहजादे। फिर ये कैसा खौफ अनारकली? आपकी शान और शौकत, आपके महलों में मुझे कहाँ पनाह मिलेगी शहजादे? आपका खानदान मुझे कभी कबूल नहीं करेगा, मैं कहीं की नहीं रहूंगी सलीम। खानदानी गद्दी में हमें दिलचस्पी नहीं, तुम्हारा प्यार ही हमारा चैन और करार है। लेकिन आप करेंगे क्या? हम तुम एक अलग घर बसाएंगे, न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? प्यार और पैसे, कल हमें पैसों की जरूरत पड़ी तब तो क्या? और तुम्हारी फैमिली वालों ने तुम पैसे देने के बजाय मुझे छोड़ देने को कहा तो? ओफो अनार, फिर मेरा क्या होगा? अनार प्लीज सीन मत करो, वी आर इन द मिडल ऑफ द रोड। ये है सलीम, ये है अनारकली, फंस गए दोनों, हाय प्यार की गली। क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो अनार? हाँ यार। और क्या तुम करते हो सलीम इस लड़की से प्यार? बेशुमार। लेकिन मुझे लगता है डर। तो करते क्यों नहीं सलीम तुम्हें काम, लिख दो एक करारनामा अनारकली के नाम, शादी में जब तक है प्यार बरकरार, किसी दूसरी हसीना का तुम पर न होगा इख्तियार। लिख कर महर में जमीन, महल या बड़ी रकम, निभाओ तुम अपने प्यार की कसम। पर ये करारनामा बनेगा कैसे? लिखा रहेगा ये निकाह नामे पर, दस्तखत रहेंगे काजी और गवाह के उस पर। उससे क्या होगा मगर, सईदा के नाम लिखा गया था सिर्फ 500 रुपए महर। शायद ये पन्ने तुम्हें बताए कोई नई बात, बहुत पुरानी ये 1842 की बात। तय हुआ था लतीफुन्निसा के लिए 26,000 रुपए, 1,000 सोने के सिक्कों के साथ। 1880 में हुआ सुगरा बीबी के साथ भी इंसाफ, अंग्रेज सरकार ने दिलवाए 51,000, वो भी शौहर के मौत के बाद। इतनी बड़ी रकम और वो भी उस जमाने में? जरूरी नहीं अमीरों का मुकाबला करना, अपनी हैसियत के मुताबिक जितना ज्यादा हो सके उतना ही मेहर लिखना। ये तो है औरतों की हिफाजत की बात, हमें तो लगता था ये सिर्फ एक रिवाज। क्या आपको मालूम था? मुखौटा हटा दे, रंगली संगली, चेहरा दिखा दे, रंगली संगली, हंसते गाते कुछ सिखाते, झट से आते गायब हो जाते। पंद्रह दिनों में घर खाली चाहिए। तू अगर गारमेंट की फैक्ट्री खोलेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ओ होती थी, इसमें रोने की क्या बात है, ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। और मेरा घर? हाँ तुम यहाँ रह सकती हो, वैसे भी तुम्हारे गहने मेरे काम के लिए चाहिए। पर चुटकी की शादी का क्या? जीजाजी को बोलो कुछ करने के लिए, पिताजी का जो कुछ भी है वो तो मेरे कारोबार में ही लगने वाला है। मेरा मेरा मेरा, हाय बेचारा, गलत फहमी का मारा। ये है लाल मोहन भाई का घर। हाँ जी, ये आपका हिस्सा। और ये है बड़ी दीदी का। चुटकी पकड़ो। और ये है मछली दीदी का। लेकिन मैं तो उनकी हूँ। शादीशुदा है तो क्या हुआ, पिता के घर में आपका भी बराबरी का हिस्सा है। ऐसा? आ आ, लेकिन जब तक बाकी के हिस्सेदार न माने आप अपना हिस्सा बेच नहीं सकती। पर सब मिलकर बेचे तो उसमें आपका हिस्सा समान समान, और तब तक जब जी चाहे आकर रह सकती है माँ के घर। और ये पांचवा हिस्सा आपके लिए कैसा रहेगा भाई साहब? मैं तुझे मजाक चखाता हूँ। सॉरी मिस्टर, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, कानूनन पिता की संपत्ति में है माँ बहनों का भी हक। कौन सा कानून? हमारा कानून। क्या आपको पता था? मुखौटा हटा दे, रंगली संगली, चेहरा दिखा दे, रंगली संगली, हंसते गाते कुछ सिखाते, झट से आते गायब हो जाते।
नहीं, एक दिन भी और नहीं। लेकिन आलोक, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, हम एक बार और कोशिश करके देखेंगे। प्लीज समीरा, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम कहीं भी जाओ, लेकिन कल सुबह मेरे घर में तुम्हारी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, बस। तुम्हारा घर? ठीक है, ऐसा ही होगा। घर बनाए थे ढेर सारे, रंग बिरंगे, गोल मटोल सूरज, कुछ बादल, पहाड़, पेड़, पीले पीले फूल। सपनों का एक घर, बचपन का एक खेल, न तोड़े जाने का डर, न टूटने का गम। आशियाना नहीं होता मगर गुड़िया घर हरदम। कहाँ जाएगी अब बेघर समीरा, बेघर समीरा? सदियों पुरानी वही कहानी, बचपन में घर बनाना एक खेल था, बड़ी होकर भी बेघर होने का नाटक खेला। नाटक खत्म हुआ, मेकअप उतार दिया, कहानी अधूरी नहीं रह गई। मेरा रोल तो खत्म हो गया। कौन सा रोल? तुमने प्ले नहीं देखा क्या? समीरा को उसके पति ने घर से निकाल दिया, बस मेरी एग्जिट। लेकिन समीरा अपने घर से निकल क्यों गई? निकल क्यों गई? अरे उसके पति ने उसे घर से निकाल जो दिया, ऐसा ही तो होता है। हम नाटक में सच्चाई दिखाते हैं। सच्चाई के और भी पहलू होते हैं। क्या मतलब? औरत का भी घर में रहने का पूरा अधिकार है, जब मर्जी उसका पति उसे घर से नहीं निकाल सकता। सुनने में अच्छा है, लेकिन ये कानून है, औरतों का कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार? काश मेरी माँ को ये मालूम होता। क्या आपको मालूम था? मुखौटा